इसका नाम है मीडिया। तो चैप्टर 4 के अंदर फर्स्ट पॉइंट आज हम डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नेम है ट्रेडिशनल एंड द न्यू मीडिया। अच्छा, आगे मूव करने से पहले हमें पहले तो जो चीज डिस्कस करनी हो ये कि मीडिया होता क्या है बेसिकली। चैनल ऑफ मास कम्युनिकेशन थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज सेंट एंड रिसीव्ड। चैनल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑफ मास कम्युनिकेशन थ्रू विच इंफॉर्मेशन सेंट एंड रिसीव, इसको हम बोलते हैं मीडिया। अच्छा, अब इसको हम बोलते हैं मीडियम या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एक वो चीज जिससे आप बकायदा कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन पीपल रीड अ न्यूज़पेपर, वॉच टेलीविजन, वेबसाइट, समथिंग। अब ये सारी की सारी क्या है, ये चीजें क्या है, ये मिलके बनाती हैं मीडिया। लाइक वेबसाइट्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, आप टेलीविजन देखते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें कंबाइन करके आपको अल्टीमेटली किसी ना किसी शेप में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, इसको हम बोलते हैं मीडिया। ओके, द टर्म मीडिया यूजली रेफर टू कम्युनिकेट विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इट इज कन्वेंशनली सीन एज वन ऑफ द मैनी कम्युनिकेशन वन पर्सन सच एज ऑथर ऑफ द न्यूज़पेपर। एक बंदा जो है वो बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करता है। जैसे अब न्यूज़पेपर है तो किसी एक ने लिखा है तो कितने लोग उसको पढ़ेंगे। अब एक टेलीविजन है तो एक टेलीविजन पे अगर एक बंदा न्यूज सुना रहा है तो कितनी आवाम उसको सुनेगी। तो इस तरह के नॉर्मली हम प्रोसेस को बोलते हैं मीडिया। अच्छा, अब मीडिया के अंदर कम्युनिकेशन होती किस तरह से है। एक हमारे पास है इम्पर्सनल, इम्पर्सनल। सेंडर ऑफ द मैसेज डज नॉट नो द रिसीवर्स। जो मैसेज सेंड करता है डज नॉट नो रिसीवर्स। इसको ये नहीं पता होता कि मैं मैसेज भेज रहा हूं तो कौन कौन सुनेगा, नंबर वन। नंबर सेकंड है लैक इन इमीडिएसी। अब लैक ऑफ इमीडिएसी के द ऑडियंस हैज नो इन्वॉल्वमेंट विद द प्रोडक्शन ऑफ द मीडिया मैसेज। अब जो मैसेज आपको दिखाया जाता है या जो ऑडियंस है, ऑडियंस कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती कि हाउ टू प्रोड्यूस दैट मैसेज। अब जैसे फॉर एग्जांपल ड्रामा है, आप ड्रामा देख रहे हैं तो आप कभी भी उस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। देन हमारे पास आता है ऑर्गेनाइज्ड। अब ऑर्गेनाइज्ड में क्या है, इट रिक्वायर्स व्हीकल्स सच एज टेलीविजन रिसीवर प्रिंटेड पेज इंटरनेट कनेक्शन विच अलाउ मैसेज टू बी सेंट और रिसीव। इसके लिए आपको इंटरनेट, व्हीकल्स, इस तरह की चीजों की जरूरत है जिससे आप मैसेज क्या करते हैं, सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। अच्छा, ये तो हो गए हमारे पास एक तरह के एक जनरल आइडिया अबाउट द मीडिया। अब हम बात करें न्यू मीडिया क्या है। न्यू मीडिया क्या है, न्यू मीडिया क्या है। न्यू मीडिया इज अ कंटेम्प्रेरी चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरएक्टिविटी, इंडिविजुअलिज्म एंड द नेटवर्क कैपेबिलिटीज। अच्छा, आजकल के दौर में यानी कि जो मॉडर्न चैनल्स हैं आपके, मॉडर्न चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन नोन एज मीडिया चैनल, न्यू मीडिया चैनल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आज के दौर में कौन कौन सी हैं। एक हमारे पास है वन टू वन, जैसे कि ईमेल, अच्छा उसके बाद हमारे पास अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो हमारे पास आता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सो एवर। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे फिल्म्स हो गई, म्यूजिक हो गए या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। अच्छा, हमारे पास टू प्रोसेस हैं। एक मैं यहाँ पे वर्ड यूज करता हूं,
हमारे पास टू प्रोसेस है और कम्युनिकेशन, टू प्रोसेस आर कॉमन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ द मीडिया, टू कॉमन प्रोसेस। एक होता है हमारे पास कंसंट्रेशन, बच्चे आप थोड़ा सा माइक जो वो म्यूट कर दें, कंसंट्रेशन ऑफ द ऑनरशिप, कंसंट्रेशन ऑफ ऑनरशिप। अब कंसंट्रेशन ऑफ ऑनरशिप का क्या मतलब है? हाउ मीडिया आर इंक्रीजिंगली ओन्ड बाय रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेशन एंड द पावरफुल इंडिविजुअल, ओन्ड बाय रिलेटिवली स्मॉल नंबर small number of the large corporation and powerful individuals. Okay, this concentration ownership is a part of the long term global trend. The global media market is dominated by the small number of media corporations such as Alphabet. Okay, these concentration ownership significant in term of product diversity. Consumer are offered limited range media products, all saying much the same thing. अगर मैं इसकी थोड़ा सा इसको explain करूँ, तो हमारे पास satellite या cable या television offer a hundred of different channels. The content is largely the same, cheaply and made by repetitive media corporation develop can gain or lose market share and can be taken over themselves. Taken other the media companies, the global companies that were dominant in the 1980s were not necessarily dominant in 2002. अच्छा, अब होता क्या बच्चे कि अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इसी के ऊपर, तो 1980 के अंदर एक ट्रेडिशनल मीडिया था हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं पीटीवी, तो जब आप 2010 तक आए तो टीवी से अलावा आपके पास तकरीबन 80 प्राइवेट चैनल आ गए, ठीक है। अब इनको किसने रिप्लेस किया? इनको रिप्लेस किया फेसबुक ने। अब आप देखें फेसबुक का ऑनर एक ही है, ठीक है, ऑनर एक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसने सबको क्या किया, अपने कंट्रोल में कर लिया। इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑनरशिप, जो कि मैंने ऊपर बोला भी है, ऑन बाय रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेशन द पावरफुल इंडिविजुअल। आपकी जो मीडिया है वो कंट्रोल करता है बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन। तो आज के दौर में फेसबुक, ट्विटर या इस तरह की जो भी चीजें हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? वो आपके पावरफुल इंडिविजुअल चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है एक और एक जो चीज हमारे सामने थी, वो थी कॉन्ग्लोमरेशन। नंबर सेकेंड जो प्रोसेस के अंदर आता है वो होता है कॉन्ग्लोमरेशन। कॉन्ग्लोमरेशन अच्छा, अब कॉन्ग्लोमरेशन क्या है? व्हेन ए मीडिया कॉर्पोरेशन डेवलप इंटरेस्ट अक्रॉस डिफरेंट मीडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इट बिकम्स अ कॉन्ग्लोमरेट। इट इन्वॉल्व द सेम कंपनी डेवलपिंग इंटरेस्ट अक्रॉस डिफरेंट मीडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड बिकमिंग कॉन्ग्लोमरेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर एक वर्ड इंट्रोड्यूस कराऊं, क्रॉस मीडिया ऑनरशिप, फॉर एग्जाम्पल क्रॉस मीडिया ऑनरशिप। अब क्रॉस मीडिया ऑनरशिप क्या है? व्हेन ए प्राइवेट और द पब्लिक कंपनी ओन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, टेलीविजन चैनल एंड द फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो। जब आपकी प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, ओन करती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया, ठीक है, वो हमारे पास बन जाता है कॉन्ग्लोमरेट। यहां पर पब्लिक कंपनीज कंट्रोल करती है, वहां पर इंडिविजुअल्स कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मली दो प्रोसेस होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं डिजिटलाइजेशन।
अब डिजिटलाइजेशन बचे क्या है, डिजिटलाइजेशन इज अ चेंजिंग ऑफ मीडिया फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, चेंजिंग ऑफ मीडिया फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म। All older forms of mass media have been digitalized. For example, magazine and newspaper. अब आपके ऑनलाइन चीजें अवेलेबल हैं, पहले मैगजीन या न्यूज़पेपर थे, अब आप वही चीज क्या है ऑनलाइन देख सकते हैं। फिर म्यूजिक था, अब आप पहले म्यूजिक आपको सीडी वगैरह में मिलता था, जैसे सीडी हो गई या वीसीआर हो गए, अब आपको यूट्यूब पे जाके आप जो भी म्यूजिक चाहे सुन सकते हैं। टेलीविजन की अगर मैं बात करूं तो अब आप ड्रामे जो है वो यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, आप न्यूज फेसबुक के ऊपर सुन सकते हैं। तो आज ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई हमारे पास, डिजिटलाइज हो गई। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आता है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया क्या है, बेसिकली सोशल मीडिया न्यू मीडिया विच कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर शेयरिंग एंड यू नो, यहां पर पहले आप ये था कि आप मीडिया सिर्फ देखते थे, अब आप इसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पेज क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद पोस्ट कर सकते हैं, आप कोई भी चीज जो है ना वो लिख सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। अच्छा, अब कुछ दो तीन टर्म्स इसी के अंदर हम यूज करते हैं। एक हमारे पास है सेंसरशिप, अब सेंसरशिप क्या होती है, द डिलिबरेट सेपरेशन ऑफ द कम्युनिकेशन और द इंफॉर्मेशन। Deliberate suppression suppression of communication or information। That can be direct or indirect. For example, private owners may decide not to publish the information critical of their company, whereas stand-owned company may be subject to political control over they can broadcast or the published. देखिए, censorship क्या है बच्चे? कि कोई भी ऐसी news जो के government control कर ले कि ये news आपने publish नहीं करनी। ठीक है? बड़ी दुनिया में चाइना के अंदर, यूके के अंदर मीडिया बड़ा कंट्रोल है, वो वहां पे सेंसरशिप है। इसका मतलब क्या है, आप कोई भी न्यूज आके पब्लिश नहीं कर सकते। आपने पाकिस्तान में भी देखा है कई तरह के इंसिडेंट होते हैं तो आपको मीडिया पे नहीं दिखाए जाते, क्यों, क्योंकि सेंसरशिप होती है, गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ देम टू पब्लिश दैट पर्टिकुलर न्यूज ऑन द मीडिया। अच्छा, अब जो बेसिकली हमारी डिस्कशन थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड द न्यू मीडिया, ट्रेडिशनल एंड न्यू मीडिया। अगर मैं बात करूं तो बच्चे ट्रेडिशनल के अंदर हमारे पास वही पुराने टेलीविजन वगैरह जो कि आप सिर्फ पढ़ सकते थे, आपके पास लिखने का कोई ऑप्शन नहीं था, आप कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, आप टेलीविजन है जो न्यूज आ रही है आप सिर्फ उसी को सुनते थे, जस्ट लाइक अ पीटीवी। तो अगर अभी हम इसकी बात करें तो डिफरेंस क्या है कि आप कुछ चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे फेसबुक वगैरह, आप खुद पोस्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं अबाउट लाइक अबाउट योर लाइकनेस एंड द डिसलाइकनेस। बच्चे ये हमारे पास था 6.1 ऑफ द